गढ़शंकर ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 'ਚੋਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। मौके पर पहुंचे गढ़शंकर के DSP सतीश कुमार और SHO इकबाल सिंह ने लाश को कब्जे में लेके अगली कार्रवाई शुरू कर दी। गढ़शंकर तो हुशियारपुर न्यूज़ के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। मैं सरबजीत सिंह पिंड मुकंदपुर तहसील गढ़शंकर का रहने वाला। ठीक है, तुम सरपंच हो इस पिंड के? मैं हाँ जी, मैं दूसरी बार सरपंच बने जी। ठीक है जी। 2008 तो 13 तक भी रहा जी। ठीक है, तो हूँ दोबारा फिर बनेंगे। अज जी आह लाश मिली थोड़े पिंड, ये बारे थानू की जानकारी है, दसोंगे जरा? ये बारे जानकारी तो सावका सरपंच रविंदरजीत कौर के घर वाला आया सी मेरे को। ठीक है, उन्हें फोन किया 10 बजे करीब 10 बजे। उतों मैं ये पता लग्या कि कोई अणपछाती लाश आ, गुरदीप सिंह सन उस मलकीत सिंह जो वे ताए का लग बड़ा सारा गेट लगा है, वो दे अंदर भंग बहुत है, बहुत बड़ी बड़ी बगल बाउंड्री हुई है, 6-6 फुट वो घूमते घूमते ने उन्हें जाके उन्होंने मुश्क आता सीगा, बहुत आले दुआले बहुत गंदा मुश्क आता सीगा। उन्हें कहा भी कोई कुत्ता वगैरह कोई मर गया बगल दे विच, हौली हौली टोलदा टोलदा भी कितने मरिया होगा, वो कंध परों देखता गया तो उन्हें देखा तो उपरों एक बॉडी अणपछाती बॉडी जो माड़ा जहा ढकया घा कू ना ढकया, उपरों घा सीटिया सी मिट्टी सीटी सी, वो पैर नंगे, जो पैर नंगे देखे तो मैनू कॉल की थी कि आ जाओ। पिंड घरों मुकंदपुर छोटा जहा पिंड गुरदीप सिंह प्लाट है बेवार भंग भूंग बहुत बेज कंध के नाल एक टोली इदा लगता भी जिदा ये कंध चाह लगा डिग पाया हो मुड़ के सट लगे नहीं उठ रहा, तो शरीर से कोई भी सट नहीं रहे, अभी इनू अभी शनाख्त नहीं हुई, तो शनाख्त लिए 72 घंटे लिए सिविल अस्पताल गढ़शंकर रखता, शनाख्त होने के बाद जो गलबात आई तो सहायता कर रही है।